जामिया इस्लामिया में रिजर्वेशन नहीं है, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन जामिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, यहां तक कि अगर आप देखोगे तो कश्मीर में भी वो रिजर्वेशन नहीं मिलता था। क्यों? वहां पे बाबा साहब का संविधान नहीं चलता क्या? आप अगर इस बात को देखोगे तो मुसलमानों में भी जातियां होती है, ओबीसी कास्ट होती है, एससी होती है, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन क्यों, अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमने तलवार के जोर पे कन्वर्जन नहीं कराया तो फिर कास्टिज्म क्यों फॉलो कर रहे अगर सब जगह पे इक्वेलिटी है तो? और अगर कास्टिज्म फॉलो कर रहे तो फिर ये जो मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और कश्मीर जो था वहां पे ये लोग रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? यहां तक कि 1950 के समय पे एक रिजर्वेशन की पारित हुई थी पाकिस्तान असेंबली में और उन्होंने कहा था कि हम रिजर्वेशन देंगे, 1919 बिल लैप्स हो गया, अभी तक वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिला। क्यों? वहां पे माइनॉरिटी नहीं है क्या? सारे दलितों को उठा उठा के कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग।